सुलेमान ने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि इतना राज्य तूने मुझे कम उम्र में राजा बना दिया है, अब इस प्रजा का कैसे न्याय करूं, कैसे इनके मसले हल करूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अपने बल और अपनी समझ से ताकत से मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु ने कहा तूने भली बात मांगी है, अब मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और वो भी दूंगा जो तूने नहीं भी मांगा, तेरे तुल्य ना कोई अमीर था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो आज आप ये प्रेयर नहीं कर सकते मुझे सुलेमान से भी ज्यादा अमीर बना, प्रभु ने लॉक कर दिया, ये ब्लेसिंग है, एंड कर दिया, एंड 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 ब्लेसिंग, जैसे बोलते हैं एंड ब्लेसिंग का एंड। अब्राहम को कहा आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले, रेत को गिन सकता गिन ले। बीते दिनों मैं दुबई में गया और उस रेत में गया, मैंने रेत को ऐसे उठाया और ऐसे देखा, ओ इतने, अरे दुबई में अगर देखे अब रेत रेत रेत, ओ प्रभु, और आत्मा ने मुझे टच किया, कहा मैं एक व्यक्ति को देख, अब्राहम याद कर, मैं एक व्यक्ति को इतना आशीष कर सकता हूं वो सोच भी नहीं सकते तुम। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, उसने मेरे को वो संदेश दिया, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़े तो हर वक्त वो आपको रिलेशनशिप के लिए पुकारता है, ऐसे अगर आप उसकी आवाज को सुनने वाले बिलीवर्स बने, हमेशा वो पुकारता है मुझे, वो बार बार अपने साथ संगति में पुकारता है, बार बार आ आ आ, तुझे बहुत ऊंचा करना चाहता हूं, हर देश को तेरे द्वारा छूना चाहता हूं, आ मेरी संगति में, आ आ आ आ, मेरे साथ एक सहभाग्यता कर, मेरे साथ एक हो, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में एक होकर उन्होंने काम किया, वो त्रिएक कहता है तुम भी चौथा मेरे साथ एक हो जा और मैं दुनिया में और काम करना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु बड़ा महान है, प्रभु बहुत सुंदर है, प्रभु बहुत अद्भुत है, बोलो प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो भला है, बोलो वो भला करता है हमेशा, वो भला करता है हमेशा, अपनी आंखों को बंद करके कहें वो भला करता है, वो भला करता है, वो भला करता है। एक एक लाइन में यहां पर आपके बीच में बोलूंगा जो परमेश्वर ने मुझे पुलपट पे आने से पहले दी, कि यहोवा मेरे लिए सदा भला ही करता है, आपको ये अंगीकार करना है, बोलो यहोवा मेरे लिए सदा भला ही करता है, यहोवा मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए सदा भला ही करता है, सदा भला ही करता है, बोलो वो भलाई बिना कुछ करता नहीं, वो भलाई बिना कुछ करता नहीं, सदा भला ही करता है, सदा भला ही करता है, कोई भलाई रखना छोड़े जो खरी चाल चलता है, कोई भलाई रखना छोड़े जो खरी चाल चलता है, यहोवा मेरे लिए सदा भला ही करता है, यहोवा मेरे लिए सदा भला ही करता है, उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है, करुणा से अपनी वो गिरों को उठाता है, करुणा से वो अपनी गिरों को उठाता है, डाल बन के उनकी सदा वो बचाता है और अपनी भलाई दिखाता है, यहोवा मेरे लिए भला है, यहोवा मेरे लिए सदा भला ही करता है। तारीफ करो परमेश्वर की। वैसे ये भजन दिया परमेश्वर ने मुझे अभी यहां पर पुलपट पे आने पहले, जब मैं पीछे प्रेयर कर रहा था और मैंने उसकी भलाई को महसूस किया और अपने लफ्ज़ों से बोला और ये लाइनें मैं परमेश्वर के भजन को लिख रहा था। और तो परमेश्वर आपको केवल, परमेश्वर केवल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बस चर्च जाओ, छोटी सी प्रार्थना करो, विश मांगो, बस छोटी सी दो लवज बाइबल के पढ़ो सुबह या रात को एक प्रेयर करके बस सो जाओ। परमेश्वर यहीं तक सीमित नहीं है, परमेश्वर बहुत अद्भुत है, अगर आप उसके करीब जाएँ वो आपको अद्भुत एक्सपीरियंस देगा, वो आपको अलौकिक कार्य, वो आपको सुपर नेचुरल कार्य आप उसके देखेंगे, वो एक अद्भुत है, वो एक महान है। आप दुनिया की सुंदरता देखने के लिए घूमने जाते हैं, अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग जगहों पे आप उस सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में कितनी ग्रीनरी है, कितना ग्रीन ग्रीन है, कितना उसकी संभाल है, कितनी केयर है, आप सुंदर सुंदर इस पृथ्वी को देखते हैं। और उसके बाद जो मनुष्य ने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, बीते दिनों मैं दुबई गया और यहाँ पर देखा कितनी बड़ी इमारत,
उन्होंने बुर्ज खलीफा जो है वो बनाई है, किस इंसान ने बनाई इतनी बड़ी इतनी ऊंची। हर कंट्रियों में जाएं तो कुछ ना कुछ आप देखते हैं, या तो कुदरत के कार्य को या इंसान के कार्य को। और इंसान के कार्य जितने मर्जी हो पर वो कुदरत के कार्यों के बराबर बिल्कुल भी नहीं कर पाता इंसान, जो उसने नेचुरल बनाया है, रियल बनाया है। और अगली बात, अगर इंसान भी कार्य करता है तो उसको बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। लेकिन हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी, हमें जवान दी, हमें आंखें दी है, हमें टांगे दी, हमें हाथ दिए, विचार दिए, आत्मा दिए, प्राण दिया, शरीर दिया, बुद्धि भी दी। तो सोचो वो परमेश्वर जिसने ये सब कुछ रचा और बनाया और दिया वो कितना महान होगा। तो क्या आप जाना चाहते हैं उस आत्मिक दुनिया में घूमने? लगा दूं आपका वीजा आज? हाँ, जाना चाहते हैं उस आत्मिक दुनिया में घूमने के लिए जहां पर ऐसा आनंद है जो कहीं नहीं है। ऐसा आनंद है ना तो वो बच्चों के साथ बैठ के है, ना तो वो पत्नी के साथ, ना ही वो दोस्तों के साथ, ना ही वो पैसे के साथ, ना ही वो घूमने के साथ, ना ही वो संसारिक अभिलाषाओं को करने में। आपने आनंद के जितने भी स्रोत में बचपन से लेके आज तक आप गुजरे होंगे, पर ऐसा आनंद परमेश्वर के पास है, केवल उसका एक झलक पाके ही आप हैरान हो जाओगे कि मैं क्या हूं, मैं मनुष्य, कि वो इतना ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर अपनी हजूरी में मुझे आने की अनुमति देता है। आप ऐसा बोलेंगे। दाऊद ने जब परमेश्वर की उस झलक को देखा, उसने कहा क्या हूं मैं परमेश्वर, क्या हूं मैं एक इंसान टिड्डी के समान कि तू मुझे अपनी झलक दिखा रहा है, अपना दर्शन दे रहा है, अपनी उपस्थिति में मुझे आने का अनुग्रह देता है। इसका मतलब उसने उस महिमा को देखा कि वो कितनी महान और ग्रेट है। हालेलुया। क्या आप उस ग्रेट प्रेजेंस से मुलाकात करना चाहते हैं? क्या आप उस अलौकिक दुनिया में जाना चाहते हैं, उस अलौकिक दुनिया में अलौकिक कार्य को देखना चाहते हैं? जब उस परमेश्वर के पास जाते हैं वो तेरी लाइफ में अद्भुत काम करता है। आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्या लेना देना लौकिक दुनिया से, मेरा तो बच्चा नशा आजाद हो जाए, मेरा तो परमानेंट हो जाए, यहाँ पर मेरी पीआर हो जाए, मेरा तो घर बन जाए, मेरा लोन मसला हल हो जाए, मेरा तो चंगियाई हो जाए, मेरे बेबी हो जाए, मुझे लौकिक दुनिया से उस परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बस काम हल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, उसने कहा मेरे राज्य को, मेरी धार्मिकता को, मेरी अलौकिक दुनिया को, मेरी सुपरनेचुरल पावर को मुझे खोज, तो दुनिया की सब चीजें जो तुझे चाहिए तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। तो याद रखो, नहीं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ को सेटल करने के, स्टैंड करने में, बीमारियों से आजाद होने के लिए। जैसे लोग गवाही बता रहे थे कि मेडिकली नहीं था ये, और था दर्द कुछ, एक ऐसी अलग सी बेचैनी सी, कौन इलाज करेगा, टेंशन का कहां इलाज है, कौन सी मेडिसिन लोगे जब तुझे टेंशन हो रही, डिप्रेशन की तुम कौन सी मेडिसिन ले लोगे जो तुझे डिप्रेशन सा होता है, कौन सी उसकी तुम मेडिसिन खा लो, कौन सा इलाज करवा लोगे तुम? तेरी पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा होता है और तुम दुखी होते हो, उसका कहां इलाज करवा लोगे तुम? तुम्हें सुपर नेचुरल पावर के सामने आना पड़ेगा, तुम्हें उस परमेश्वर के सामने, उस पावर के सामने आना पड़ेगा। वही है जो इन चीजों को तेरी लाइफ से दूर कर सकता है। कुछ भी तेरी लाइफ में जो घटी है वही है जो पूरी कर सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में आज फैसला करना है कि मुझे परमेश्वर चाहिए। आप अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए होंगे, परमेश्वर ने कहा इन लोगों को कह अपने आने का मकसद बताओ मेरे सामने। जो आपने अपने आने का मकसद बताया है, हो सकता है कईयों का मकसद ये नहीं होगा उसमें कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तू चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, आज आप अगर ये मकसद बना लें कि परमेश्वर मुझे बस तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, आपकी परिवार, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा आपने सोचा भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। वो तेरी सोच और तेरी समझ से कहीं अधिक काम करने की शक्ति रखता है। तुम कितना सोच सकते हो कि तुम कितना अमीर हो सकते हो, तुम कितना सोच सकते हो तुम कितने ब्लेस हो सकते हो, तुम कितना सोच सकते हो तुम कितना ऊंचा जा सकते हो। बीते समय में मुझे वो प्रेजेंस याद है जब मैं एक देश में था और वहां पर प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई कि मैंने एक
महसूस की परमेश्वर की प्रेजेंस, जैसे मैं वेद की रीति पर जैसे प्राप्त करना, एक होता है ज्ञान की रीति पर, मैंने वेद की रीति में ऐसे महसूस किया कि एक व्यक्ति को परमेश्वर, एक व्यक्ति को परमेश्वर कितना ज्यादा ब्लेस कर सकता है, कितना ज्यादा ऊंचा कर सकता है, कितना बढ़ा सकता है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन निरंतर जीना शुरू करे। मैंने इसे महसूस किया, एक व्यक्ति को परमेश्वर, अब्राहम को प्रभु ने कहा था संतान आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन ले, रेत को गिन सकता गिन ले, इतनी तेरी मैं संतान को बढ़ाऊंगा, इतना मैं तुझे ऊंचा करूंगा, इतना मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मतलब परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश का जो नौकर का काम करता था प्रधानमंत्री बना दिया उस देश का। दाऊद को परमेश्वर ने पूरे इज़राइल का राजा बना दिया। कैसा परमेश्वर वो महान है। अय्यूब को जितना था उससे दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। पहले ही वो लाखों में, पहले ही बहुत वो ब्लेस था, अमीर किया था, कितने 4,000, इतने लाख, इतने हजार ऊंट, इतने बैल, इतनी इतने खेत, इतनी आशीष। वो आशीषित व्यक्ति था, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का साथ रहता था, उसका डर मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष किया। शैतान ने भी गवाही दी शिव परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने इतनी आशीष दी है इसलिए ये तेरा डर मानता है, इसलिए भी तेरे ऊपर भरोसा करता है, इसकी आशीष है मुझे छीनने दे, फिर देखना ये तेरा कैसे इनकार करेगा। परमेश्वर ने कहा कर ला जो करना, इसको जख्मी करना है, मारना, जो खत्म करना कर ले, इसकी जान नहीं लेनी, कर ला जो करना, ये मेरा इनकार नहीं करेगा, मुझे इस पर भरोसा है। हालेलुया। सोचो इतना भरोसा परमेश्वर इंसान पर कर पाया। हालेलुया। जबकि बीते समय में आदम और हवा ने जब गलती की, लेकिन वो इंसान को बनाने से पछताया, जब उसने इंसान की सृष्टि की रचना की, उसने देखा वे कितना अनाज्ञाकारी है, ये कितना स्वार्थी है, ये कितना लालची है। जब वो उसने गलती की, वो फल को देखा, खाया, और आदम हवा ने पाप को किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। सोचो वो जू को कहता है मैं भरोसा करता हूँ इसे, हालेलुया, और आने दी उसके ऊपर परीक्षा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, चाहे अगर वो उसकी लाइफ में सब कुछ शैतान ने छीन लिया, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, प्रभु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु है, उसने महान कहा, और परमेश्वर ने उस परीक्षा के बाद जितना उससे था उसे दुगना दिया। हालेलुया। और रॉन्ग चीजें, रॉन्ग लोग उसकी लाइफ से निकले और रियल लोग उसकी लाइफ में आए। हालेलुया। आपके दुख के समय में कई वक्त जाहिर होता है कि कौन से लोग रियल हैं, कौन से लोग असली आपके साथ खड़े हैं, इसलिए वो समय भी आने, सुख और दुख परमेश्वर ने बनाए हैं, ताकि परमेश्वर, वो परमेश्वर दुख नहीं देता, पर ये बने हैं दोनों चीजें, ताजो अगर आप एक, अगर आपकी लाइफ में केवल खुशी खुशी जिंदगी का मजा ही नहीं आएगा, जब एक रिजेक्शन के बाद, एक रिजेक्ट होने के बाद, एक गमी के बाद खुशी आती है, तो वो बहुत अद्भुत, आप उस खुशी का आनंद लेते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर एक व्यक्ति को इतना ज्यादा ब्लेस कर सकता है। मैं आपको ये चीज आज आप स्पिरिट में लो, क्योंकि मैं आज की प्रेयर के बाद आपको अमीर होते देख रहा हूं। अमीर आप में से लोग अमीर होंगे और बड़ी पदवियों पर, बड़ी पोस्टों पर, बड़े लेवल पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके बीच जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो इतना ऊंचा हो सकता है, इतना ब्लेस हो सकता है। एक समय पास्टर अमनदीप न्यूजीलैंड में चर्च खुद जाते होते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, किसी ने सोचा होगा पास्टर अमनदीप इतनी बड़ी चर्च कराएंगे और बार बार क्रूसल कराएंगे न्यूजीलैंड में? समझ पाए? ये मैंने एक टेस्टमनी बताई आपको, अभी मैं बताऊं, आपकी लाइफ में परमेश्वर इतना दे सकता है, इतना ब्लेस कर सकता है, आपने सोचा भी नहीं आप कितना ऊंचा हो सकते हैं। बस आपको परमेश्वर के साथ एक अपना टॉपिक परमेश्वर बनाना है। अगली बार जब आप न्यूजीलैंड में आए, आप कहें परमेश्वर, मैं कहूं अपना विषय प्रभु को बताएं, आप कहें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू चाहिए। उस स्त्री एकता के साथ एक होना, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा कर सकते हैं। कितने लोग पिछली बार नहीं थे, आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, पिछली बार नहीं थे, हाथ उठाएंगे? ओ बहुत सारे, परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरी टेस्टमनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय मैं बताने जा रहा था, मैंने उस चीज को भी देखा परमेश्वर की ओर से कि सचमुच ये परमेश्वर का कार्य। तो मैं 2010 में, आज लगभग 13 साल पहले कह सकते हैं, 23-24 चल चुका है, तो 24 अभी चल रहा है, तो लगभग 13 साल पहले
मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था जैसे शीशे होते हैं, और लोगों को पानी देता था, कस्टमर आते थे पानी देता था, सर जी पानी, झिड़के भी खाने पड़ते थे, चल ये लेके आ वो लेके आ। एक दिन मैं बूट नहीं डाल के गया, चप्पल डाल के गया, कहते नहीं नहीं चप्पल नहीं, शोरूम का स्टैंडर्ड है, शूज डाल के आना है। ओके, मैंने कहा इतना वापस जाऊंगा घर में, इतना 2 घंटे लगेंगे, करो जाके आओ। ऐसी थी मेरी लाइफ, शर्माता था कि मेरे स्कूल के, जब पढ़ाई मेरी छूट गई प्लस टू के बाद, मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी पढ़ाई फिनिश हो चुकी, मेरे ऊपर केस हो चुका था, पढ़ाई मैं आगे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास इतनी मोटी गैड जो MPD होती है नकल मारने वाली, वो पकड़ी गई, मैंने यहाँ डाली थी, छोटी छोटियों से मेरी आदत इतनी बुरी हो चुकी थी, संगति ने मुझे इतना बिगाड़ दिया था, मैंने कहा ये छोटी छोटी कागज पर्चियों से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो पूरी चाहिए, इतना बुरी संगत ने मुझे बिगाड़ दिया था। पर 7th क्लास तक मैं 1st नंबर पर आया था, सोचो वो ही व्यक्ति कितना बिगड़ गया, संगति ने बदल दिया। जैसे आप किस लोगों, कैसे लोगों से रह रहे हो, चेंज करो, आत्मिक लोगों से रहो तो तुम अलौकिक, मेरी तरह अलौकिक दुनिया में ब्लेस होगे। सुना ये देखो तुम किसके साथ बैठ रहे हो, चुगली करने वाले के पास, निंदा करने के वाले के पास, अपने ऊपर घुमंड करने वाले के पास, मोटिवेशनल स्पीकर चक दो फटे, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, सुनते हैं जोश से भरते हैं, जब लाइफ में जाते कुछ नहीं कर पाते हैं। उत्साहित करने वाली बातें स्पीकर्स को सुनते हैं, वो केवल बातों के प्रचारक है, मेरा परमेश्वर काम का प्रचारक है, काम करता है, वो जो बोलता है वो करता है। और जब मैं शर्मिंदगी में था मेरी, अब मैं 3 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकता, काम ढूंढने लगा, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने का काम मिला, शीशे साफ करने का, सेल्समैन का काम मिला, दुखी था, डिप्रेशन में था, चिंता में था, रोता था। सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी इंग्लैंड के लड़के के साथ, मैरिज नहीं हो रही थी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो फॉरन से नहीं आया, फोन आना बंद हो गया उसका, टेंशन इधर उधर घूम रहे, बाबू चेलों के पास जा रहे, इसके पास जा उसके पास जा, कोई ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर। मैं एक जट सिख फैमिली से हूँ और सिख फैमिली में होने के कारण वो मुझे सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, मैं कैसे करूँ, पर फिर भी करते थे कि मसला हल हो जाए, काम हो जाए, ये चिंताएं, सिस्टर का मसला हल हो जाए, मेरी लाइफ क्या कहाँ जा रही है, मरने पर हूँ, क्या करूँ, डिस्ट्रॉय हो रही है लाइफ। 6 सिस्टर थी मेरी, 6 सिस्टर के बाद मैं मिला मेरी मम्मी पापा को, और पूरा एक ही लड़का और ये पूरा चिंता में, लाइफ इसकी खत्म हो रही है। उसके बाद लाइफ जब खत्म ही होने पर थी तो मेरी लाइफ का, लाइफ इधर उधर कह सकते जिंदगी में बस सफर चेंज कर रहा था, बसें चेंज कर रहा था, तो मेरी लाइफ का लास्ट बस स्टॉप आ गया, वो था जीसस क्राइस्ट का। और जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला तो बाइबल में कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर गंदगी है, तुम्हारे अंदर कोई गटी है, कोई कैंसर है, कोई बीमारी है, सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे मैंने चर्च में जाके यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने, प्रभु ने हमारी जिंदगी को बदलना शुरू किया। जैसे ये बहन रो रही थी ऐसे ही मैं चर्च में जाके प्रभु के प्यार में रोने लगा, प्रभु का दीवाना होने लगा। धीरे धीरे मेरा विषय बदल गया, मेरी सिस्टर का विषय बदल गया, उसने कहा प्रभु अब तेरी इच्छा पूरी हो, कोई कह रहे और रिश्ता देख ले, उसने कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, अब चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तूने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, प्रभु अपनी सारी चिंता अब तुझे दी, अब हमारा, हम तो बस तुझ में बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, तू भला पिता है, तू भला ही करता है। और वो लाइन अच्छी लग रही है, तू भला, वो भला पिता है, वो भला ही करता है, प्रभु तू भला पिता है, अब तू भला ही करेगा जो करेगा, अब टेंशन की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, सारी चिंता यीशु पर डाल दी, प्रभु में बढ़ने लगे। पहले विषय और था, धीरे धीरे प्रभु विषय बन गया, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। जब प्रभु चाहिए विषय बन गया तो कुछ ही साल के बाद हम बड़े प्रभु में, वही लड़का जिसका कॉल नहीं आता था इंग्लैंड से था, उसका फोन आया, 1 साल से फोन ही आना बंद हो गया था, सारे कहते दूसरा रिश्ता देखो, उसकी कॉल आई, हेलो आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो उससे बात नहीं करता था, और वो इंडिया आया, मैरिज हुई, मेरी सिस्टर फॉरेन गई, UK गई, बेबी हुआ, घर लिया, गाड़ियां, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, खुदा ने आशीष किया। और इधर वही मैं व्यक्ति
इधर मेरी लाइफ को कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, खुदा ने मुझे अपनी एक गेम्स की दुकान दी, गेम्स की दुकान के मैंने दशमांश बोना शुरू किया, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, मेरी दो दुकानें होगी धीरे धीरे। उसके बाद वहां पर प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में चुन लिया। मैंने कहा सब लोग काम करेंगे, प्रभु की सेवा कौन करेगा, सारे अपने काम में बिजी है, काम में बिजी है, काम में बिजी है, तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा। मैंने अपने काम को छोड़ा, प्रभु में बढ़ना शुरू किया, प्रभु को खोजना शुरू किया। और जब मैंने प्रभु को छोड़ना शुरू किया, मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई कि तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, परमेश्वर ने तुझे अपनी सेवका के लिए चुना है। और उसके बाद 2017 में परमेश्वर ने मुझे चुना एक पास्टर के रूप में, और 2017 में ही मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम शुरू हुआ, मेरी सेवका शुरू हुई, और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। आज मैं ब्लेस हूं आपके सामने, अपनी लाइफ में ब्लेस हूं, हर एक आशीष में ब्लेस हूं। वो जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आज देखो कितना अच्छा कोट पैंट, सोना है ना, अगली बार और अच्छा होता जाएगा क्योंकि हमारी आशीष बढ़ती जाती है। हाँ, वैसे ही आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका ध्यान ज्यादातर ऐसी आशीषों पर होता है, हालेलुया। पर मैं आपको बताऊं, ऐसी आशीषें आपके सामने होंगी, आपका फोकस भी नहीं होगा क्या है, मतलब आप इतना ब्लेस हो जाएंगे। हमें फॉरेन से कभी लोगों की कॉल आती, कहते हैं अब दुनिया में सब कुछ प्राप्त करके देख लिया, पैसा है, सारा कुछ है, फैमिली है, ये है, वो है, वो है, वापस आना चाहते हैं इंडिया में, प्रभु चाहिए अभी तो बस, हालेलुया। मतलब इतने लोग ब्लेस हैं, लोगों का टॉपिक अब आशीष नहीं रहा। मैंने कहा आप इतने ब्लेस होंगे, आपका टॉपिक आशीष नहीं होगा, आपका टॉपिक खुदा के लिए कुछ करने का होगा, अपनी आशीष को खुदा के लिए यूज करने का होगा। तो उस खुदा ने मेरी लाइफ को बदला, मेरी लाइफ को चेंज किया, मुझे ब्लेस किया। सोचो वो क्या कर सकता है, समझ पा रहे हो आप, अगर एक व्यक्ति उसके साथ रिश्ता जोड़े, उसके साथ रहे, कितना ब्लेस कर सकता है, कितना कुछ दे सकता है। ये छोटा मोटा मेरा पेन, मेरा दर्द, मेरा ये मसला, वो मसला, रे ये तो छोटा सा मसला है उसके लिए, वो तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसने तो अंतों की आंखें खोल दी, उसने तो लंगड़ों को चला दिया, उसने तो मुर्दों को जिला दिया, उसने तो तूफान को शांत कर दिया, उसने तो पानी पे चल के दिखा दिया, उसने तो कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, 5 रोटी तो मछलियों से 5,000 को खिला दिया। वो तो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, वाश्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, अद्भुत उसके कार्य है। बस अपना विषय परमेश्वर बना लो।